देश की राजधानी दिल्ली के शकूरपुर इलाके में चर्च के ऊपर बने रिहायशी बिल्डिंग का कुछ हिस्सा गिर गया। इसके चलते 3 मजदूर बल में बेदब गए और घायल हो गए। इन मजदूरों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि चर्च के ऊपर बने हुए रिहायशी मकान में तोड़फोड़ का काम चल रहा था, इसी दौरान यह हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि 3 मजदूर इसके मलबे के नीचे दब गए, जिन्हें घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल शकूरपुर जी ब्लॉक में एक चर्च के ऊपर रिहायशी मकान बना हुआ था, जिसको बिल्डर द्वारा दोबारा तोड़कर बनाए जाने का काम चल रहा था। हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मेरी मम्मी रसोई में खड़ी थी तो मकान सीधा जैसे गिरा है, बिल्कुल गिरा है। तो ये है कि मकान जो इस तरफ डला है ना, तो इस तरफ गिरता ना तो अपने मकान पे सपोर्ट बढ़ जाए, अपना मकान भी जाता और हमारे घर वालों को नुकसान होता। अच्छा, कितने लोग दबे हुए थे? 4 लोग थे जो तोड़ रहे थे मकान को। 2 तो ऊपर जो थे वो तो पीछे कूद गए थे, 1 नीचे आके बिल्कुल दब गया था अंदर। और जब दब रहा था ना अंदर, वो तो किसी बंदे ने नहीं निकाला, ना इधर निकले ना निधर। पुलिस आई, पुलिस ने भी क्या करा, उधर खड़ी रही पुलिस, उधर घूमती रही। और इधर 1-2 गाड़ी भी आई थी, गाड़ी भी क्या, एक बार आई गाड़ी चक्कर लगा के यूं गई, गाड़ी यूं गई दोबारा। मैं अभी देख के आया था तो गाड़ी अभी भी खड़ी उधर, अब भी कुछ नहीं हो रहा है मकान। अभी जैसे जो है अभी यूं देखे जा रहे हैं, बंदे का कुछ पता नहीं अंदर है या नहीं है। एक बंदा, एक तो निकाल दिया, 3 बंदे बाहर है लेकिन एक का नहीं पता कि एक अंदर है या नहीं है। क्या उसे लेबर तोड़ने के कारण गिरी थी? हाँ, ये लेबर तोड़ने के कारण गिरी थी। उन्होंने क्या करा, नीचे का जितना भी सपोर्ट था वो सारा टूट गया था। ठीक, सपोर्ट के बाद तो ऊपर का मकान रहेगा ही क्या, ऊपर सारा नीचे गिरेगा वो, तो फिर सारा नीचे गिर गया। फिर इधर हाथ उसको करते करते हाथ में भी लग गई थी मेरे, इधर खरोच वरोच आई थी थोड़ी बहुत, इधर ये थी ना हाथ में लगी थी पूरी, इधर खरोच लगी है तो उसको निकालते टाइम लगी थी। अच्छा, हाँ जी। और हमारे मकान, जो हमारा मकान है उसके अंदर तक मलबा आया है, और जो हमारी मम्मी खड़ी थी अंदर रसोई में और मेरा भाई खड़ा था छोटा, उसके भी लग सकती थी। कितने मकान का नुकसान हुआ इस मकान को गिरने से? इस वाले का हुआ है, 2 मकानों का नुकसान हुआ, तीसरे की गिरी, 4 मकान का, 4 मकान नुकसान है। क्या अभी इस मामले पे डीलर के, जो डीलर है उसको पुलिस हिरासत में लिया है या नहीं लिया? अभी कुछ भी नहीं हुआ है ना, कुछ तो पुलिस कर ही नहीं रही है कुछ भी। मैंने बंदे को फोन पे बात करते हुए देखा था, तो वो कह रहा था कि भोपाल से ऐसा है, आपको तो आना पड़ेगा और हम देख लेंगे, तुम एक बार आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चर्च के फादर एमानुएल ने पुलिस को बताया कि इमारत 35 साल पुरानी थी और उन्होंने पहली मंजिल की मरम्मत का फैसला किया। अधिकारी के मुताबिक मरम्मत के काम के दौरान एक दीवार अचानक गिर गई और रघुवंश पहली मंजिल से गिर गए, उन्हें चोटें आई। इस संबंध में सुभाष प्लेस थाने में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।